ओके, वेलकम बैक टू अनदर। दोस्तों मैं जाम आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्रिप्टो इनकम पर। बात करेंगे हम बेबी डॉज कॉइन की। उससे पहले थोड़ा सा मार्केट का भी हाल जानेंगे। बेबी डॉज कॉइन के क्यों, क्या मार्केट के अंदर चल रहा है, क्या बेबी डॉज कॉइन गया। वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को करके टेलीग्राम ट्विटर मस्ट जरूर फॉलो करना। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जो है दोस्तों बिटकॉइन का प्राइस की बात करें तो 25,739 पे ट्रेड कर रहा, 1748 पे हमारा इथेरियम ट्रेड कर रहा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। कहीं ना कहीं देखो यार, एक अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ऑफ गैरी गेल्सनर ने एक हमें अपॉर्चुनिटी दिया है। जिस तरह से उन्होंने आई थिंक टारगेट किया है बाइनांस को, कॉइनबेस को, कि भाई और डंप आए और इसका फ़ायदा सब उठाते हैं। समझिए दोस्तों, कोई दिखा के क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, कोई छुपा के करता है, लेकिन होता है सबका है। और ये अपॉर्चुनिटी है बेबी डॉज कॉइन। या बहुत सारे अल्ट कॉइन डंप हुआ था लेकिन रिकवर भी हुआ, इसमें से हमारा बेबी डॉज कॉइन सबसे टॉप पे आएगा भाई। 18% से आज के डेट में ये पंप किया है। 11 की सीरीज में जा चुका था, मैंने आपको कहा था ना भाई अपॉर्चुनिटी है भाई। देखो अब भी अगर नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे तो क्या मानोगे, अपॉर्चुनिटी है। 18% से पंप हो गया, 11 के सीरीज पे था, आज 1525 के सीरीज पे है 80 के बाद। अमेजिंग है, ऑलरेडी आपको पता है भाई। और सभी क्वाइन आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करेंगे। हमारा शिवा को अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो यार, शिवा इन भी 5% से पंप है ना। हमारा इथेरियम बिटकॉइन थोड़ा थोड़ा पंप जरूर कर रहा है। जितने भी मैंने मीम टोकन जो कि 10-12% 20% इवन ब्लीडिंग कर रहा था कल की डेट में, थोड़ा थोड़ा आज जो है सबके अंदर एक हल्का हल्का पंप आ रहा है और रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट का सेंटीमेंट है, डंप नहीं होगा तो लोग बाइंग कैसे करेंगे, पंप नहीं होगा लोग प्रॉफिट बुकिंग कैसे करेंगे, हमें सीखना पड़ेगा दोस्तों। ये हमारे माइंडलिटी बनाना पड़ेगा, हमारे दिमाग के अंदर ये चीज़, ये सोच डालना पड़ेगा। और जब बुल रैली आएगा ना, तो जो नए क्वाइन भी होंगे जिसका कोई एम नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं, वो भी आपको कई गुना प्रॉफिट देकर जाएगा। और लास्ट बुल रैली में आपने हमने ये चीज़ें देखा है। अभी बहुत मेरे भाई पैनिक में, कुछ नहीं होगा क्रिप्टो को, बेबी डॉज कॉइन का कुछ नहीं होगा, क्यों आप वीडियो बनाते हो। मेरा भाई आ रहा कमेंट, मैं पढ़ रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, फ्लॉकी के बारे में मैंने वीडियो बनाया, उसके बारे में BTTC के बारे में बताया, उसके बारे में सेफकॉइन के बारे में, हर एक कमेंट के अंदर कुछ ना कुछ मेरे भाई ऐसे है जो पैनिक में है आज भी, यही बोलते हैं यार क्यों बर्बाद कर रहे हो। लेकिन दोस्त जब बुल रैली लास्ट वाला था, आप जाके देख लेना सेफकॉइन ने कितना प्रॉफिट दिया है। लास्ट वाला बुल रैली में आप जाके देखो फ्लॉकी का क्या ऑल टाइम हाई है। नेक्स्ट बुल रैली फिर से आने वाला है और वहाँ पर जितने भी सिकवा गिला है सब दूर हो जाएंगे। कुछ क्वाइन है ऐसे भी जो उस टाइम तक मे भी टिक नहीं पाएंगे, क्या बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी ध्वस्त हो रहे हैं इस सब चीज़ों के अंदर, लेकिन जो बचेंगे ना वो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा, बहुत बड़ा। आडा जो है ना कई जीरो लेके बैठे हुए थे 2018-19 की बात बोल रहा हूँ, लेकिन लास्ट बुल रैली में आपने देखा मैटिक BNB सबका मैंने दिखाया भाई अपने इस चैनल के ऊपर। मैंने आपको 2018 का पास्ट दिखाया और 2020 का पास्ट दिखाया, जब बियर फेस था तो क्या क्या चीज़ें हुई। अब भी हमें सीखना है, अपनी होल्डिंग को बना के रखना। ये वीडियो सिंपल सा मोटिव मेरा यही था, मैंने पंप दिखाया कि कितना जल्दी हमारा बेबी डॉज कॉइन रिकवर किया है, बर्निंग भी हो रही है साथ के साथ, और भी चीज़ें डेवलप भी हो रही है। होल्डिंग करना है, दैट्स इट, होल्डिंग करके रखना है। जो भी आपके पास कॉइन बचे हुए हैं, अगर 1000 से 1100 के बीच में जाता है तो थोड़ी सी बाइंग बढ़ानी है, नहीं तो जो भी आपके पास है उसी को होल्ड करके रखना, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा आपको, लॉस बुकिंग नहीं करना। अगर अभी भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आपके मन में चल रहा हो, बेझिझक हमसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी ऐसे न्यूज के लिए हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को करके टेलीग्राम ट्विटर मस्ट जरूर फॉलो करना। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब नेक्स्ट में आज के इतना ही, गुड बाय।